स्वागत है जेके 24/7 में और मैं हूँ अनिल शर्मा। मेरे साथ वार्ड नंबर 3 के पार्षद मौजूद है नरोत्तम शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। और आज जनरल हाउस की मीटिंग के अंदर इन्होंने एक प्रस्ताव लाया है और इन्हीं से जानेंगे, और उस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया गया है। और नॉइस पोल्यूशन को लेकर अगर जिक्र किया जाए तो लाउड स्पीकर्स को क्या और क्या समय निर्धारित किया गया है बैन का, वो भी हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। नरोत्तम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके 24/7। धन्यवाद नरोत्तम जी, क्या प्रस्ताव लाया था आप विस्तार से बताना चाहेंगे? आज हमारी जनरल हाउस की जो मीटिंग थी उसमें मैंने एक प्रस्ताव लाया था, और आपको बताऊं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को खुशखबरी बताऊं कि वो रेजोल्यूशन जो था मेजॉरिटी ऑफ कॉरपोरेटर के सपोर्ट से पारित हो गया। उसमें मैंने मांग की गई थी कि जम्मू कश्मीर में जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ से इलीगल लाउड स्पीकर जो है हटने चाहिए। और इलीगल और लीगल ये पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इलीगल वो होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना रन होते हैं, वो इलीगल माने जाते हैं। और जिन लाउड स्पीकर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट परमिशन देता है वो लीगल माने जाते हैं। तो हमने यही मांग की है, और मेरा जो रेजोल्यूशन था किसी धर्म और जाति विशेष के लिए नहीं था, समूचे समाज के लिए था। प्रयास की इस रेजोल्यूशन में प्रयास किया गया था कि समाज के वर्ग के लोगों को जो है शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहें, क्योंकि हाल ही में एक सर्वे हुआ था उसमें पाया गया कि जितने भी लोग बीमार हो रहे हैं डिप्रेशन बीपी और जो मतलब हाई इलनेस, ये सब प्रॉब्लम जो है नॉइस पोल्यूशन से हो रही हैं। तो हमने भी जो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, और सबसे मुख्य बात जो थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इसके लिए गाइडलाइन है, हमने यही मांग की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो। नरोत्तम जी बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है, तो अपोजिशन ने कहना कि अपोज किया होगा इस प्रस्ताव को? बिल्कुल, अपोजिशन वालों ने काफ़ी इसमें ऑब्जेक्शन रेज किया था, हमारा प्रयास किया गया था उनको समझाने का, कुछ लोग समझे, जिन्होंने समझे उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, तभी ये प्रस्ताव जो है पारित किया था। लेकिन मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मेरे रेजोल्यूशन को पूरा पढ़ें और समझें, क्योंकि मेरा रेजोल्यूशन किसी धर्म और जाति को टारगेट नहीं करता, ये समूचे समाज के स्वास्थ्य की बात की गई थी। क्योंकि मतलब कुछ लोगों का यही कहना है कि मैंने मस्जिद के लिए बोला, तो मस्जिद के लिए हमने नहीं, हमने तो उसमें मंदिर और गुरुद्वारा इवन हमने बैंक्वेट हॉल का भी जिक्र किया गया है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी बड़ा एक विशाल हृदय करना चाहिए और इस रेजोल्यूशन को समझें और पढ़ें और इसको सपोर्ट करें। इस रेजोल्यूशन से आपके जो रेजोल्यूशन इसको अब पारित तो हो चुका है, जनता ने भी आप देख लिया है, कई सारे इस समय पॉलिटिकल नेता हैं उनको आपत्ति होगी, आप किस तरह से देखते हैं, चाहे वो कश्मीर के नेता हों या फिर भारत के अंदर अन्य जो राजनेता हैं, वो उनको बड़ी सारी इस समय सियासत के अंदर उन्होंने चर्चा करनी शुरू कर दी होगी, आप उन बयानों को किस तरह से देखेंगे? देखिए, आपत्ति देश जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जो है एक नया भारत उभर के आया है, उन लोगों को मुझसे नहीं उनसे आपत्ति है, क्योंकि वो नया भारत उभरने में अपना साथ में होना के चाहिए। हमें एक देश के सही नागरिक होने के नाते हमें अपने प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत होने चाहिए। ये मैं नहीं कहता, आप भी तो देखिए जो 50 साल पहले का देश था आज देश में फ़र्क है ना। तो मुझे लगता है हमारा एक दायित्व और जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें और नया उज्ज्वलता जो भारत है उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाते उनका साथ दें। तो मुझे लगता है जिन्होंने कमियाँ ढूंढनी है किन करा मतलब कहीं ना कहीं वो निकाल ही लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको एक बड़ा दिल करना चाहिए कि देश के सही नागरिक होने का, देश के नागरिक होने का यही एक मतलब मौका होता है कि आप देश के कैसे हम तरक्की में अपना साथ दे सकें, वही एक मतलब मेन जिम्मेदारी एक नागरिक की रहनी चाहिए। हाल ही के दिनों में महबूबा मुफ्ती ने यह कहा था कि एक कम्युनलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, लाउड स्पीकर को बैन किया जा रहा है, हिजाब की बात की जाती है, और भाजपा जो है वो कम्युनलाइजेशन करने की राजनीति करती है। देखिए, हमें मेरे इस रेजोल्यूशन में या कहीं पर भी आप बताओ, हमने तो कहीं पर भी इसमें कम्युनलाइजेशन की बात नहीं की। देखिए, जिन लोग मैंने कहा ना कि जिन लोगों ने अपीजमेंट की पॉलिसी की उन लोगों ने देश को नुकसान दिया। आप देखिए, हाल ही में अगर दिल्ली में बुलडोजर भी चला, दिल्ली में इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चली, तो पहले उन्होंने मंदिर को डिमोलिश किया, तो मंदिर वालों ने कहीं ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, तो लेकिन किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ही ऑब्जेक्शन रेज किया। तो मुझे लगता है देश सुधर रहा है, अगर सुदृढ़ हाथों में चल रहा है, तो मुझे लगता है एज ए नागरिक होने के नाते हमें भी उसको चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों में ना पड़ते हुए एक बड़ी उन्नति के लिए अपना निर्वाह करना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या समय रहेगा और क्या समय निर्धारित किया गया है इस रेजोल्यूशन का? देखिए, समय निर्धारित करना तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इसमें जो है मुख्य रूप से पोल्यूशन कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी इसमें एडवाइजरी दी है, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर नहीं चलना चाहिए, चाहे बैंक्वेट हॉल हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो। एक दूसरा जो है, जो लाउड स्पीकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ चलें और निर्धारित सीमा आवाज में चले, तो हमें हुआ कोई आपत्ति नहीं, वो चला सकते हैं, हम तो सर्वधर्मों का सम्मान करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरोत्तम शर्मा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो समय सीमा जो है वो निर्धारित कर दी गई है, 10 से 6 बजे की समय सीमा जो है वो निर्धारित की गई है और सभी धर्मों को जो है वो एक सर्वप्रिय रखा गया है। हालांकि कुछ राजनेता हैं वो कहते हैं कि कम्युनलाइजेशन की जाती है, लाउडस्पीकर पर बात की जाती है, हिजाब पर बात की जाती है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो कम्युनलाइजेशन करने की कोशिश की जाती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, नरोत्तम शर्मा जी का यही साफ तौर पर इस प्रस्ताव में कहना था। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।